पर बैठा और विश्व के चक्कर मारने निकल पड़ा। और यहाँ बाल गणेश कुछ सोचने लगा, मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज दौड़े फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव है, मुझे कुछ और सोचना होगा। बाल गणेश को एक कल्पना सूझी, वो मन ही मन मुस्कुराए। गणेश ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हुए। वो सोचने लगे, बाल गणेश क्या कर रहा है। तीन चक्कर लगाकर बाल गणेश माता पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के तीन चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, कैलाश छोड़कर तो तुम कहीं गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए। माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है, तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा विश्व हो। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार कर लिया। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।